हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल मिक्स एकेडमी। माय नेम इज़ माया कुर चौहान। आज हम बात करने वाले हैं स्वर संधि, जो आपके RGS और APO के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, लीगल मिक्स एकेडमी लाया है आपके लिए हिंदी का न्यू बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट और PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, आपकी एग्जाम टाइम आपका रिविजन करवाया जाएगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि में होता है स्वर प्लस स्वर, यानी यदि किसी स्वर के बाद स्वर ही आ जाए तो स्वर के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है, हम उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में होता है अ या आ के बाद अ या आ आए तो वह आ में बदल जाता है। वैसे ही ई या दीर्घ ई के बाद ई या दीर्घ ई आए तो वह दीर्घ ई में बदल जाता है। ऊ या दीर्घ ऊ के बाद ऊ या दीर्घ ऊ आए तो वह दीर्घ ऊ में बदल जाता है। यानी ये सभी स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर संधि। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अंत प्लस अक्षरी, यानी अ प्लस अ क्या बनेगा? आ, ये हो जाएगा अंत्याक्षरी। ऐसे ही सारे उदाहरण ऐसे ही बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अक्ष प्लस अंश, ये भी क्या हो जाएगा? अक्षांश। फिर नेक्स्ट है भय प्लस आनक, भय प्लस आनक ये क्या हो जाएगा? भयानक। स्नेह प्लस आविष्ट, क्या हो जाएगा? स्नेहाविष्ट। अति प्लस इत, दीर्घ में बदलेगी तो क्या हो जाएगा? ये अतीत। वैसे ही ये अधि प्लस इन, ये किस में बदलेगा? अधीन में। फिर नेक्स्ट है अधि प्लस इक्षक, ये हो जाएगा अधीक्षक। फणि प्लस इंद्र, फणींद्र, ये सभी दीर्घ इ में बदले हैं। फिर नेक्स्ट है अनु प्लस उदित, ये भी दीर्घ उ में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? अनुदित। मंजू प्लस उषा, ये दोनों ही ऊ किस में बदलेंगे? दीर्घ ऊ में, तो क्या हो जाएगा? मंजूषा। फिर नेक्स्ट है लघु प्लस उर्मी, ये किस में होगा? दीर्घ ऊ में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? लघु उर्मी। फिर है सरयू प्लस उर्मी, इसमें है ऊ प्लस ऊ, क्या हो जाएगा? सरयू उर्मी। ये हो गया आपके दीर्घ स्वर संधि। फिर नेक्स्ट है आपके गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में है अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई आए तो वह ए में बदलेगा। अ या आ के बाद उ या दीर्घ उ आए तो वह ओ में बदलेगा। और अ या आ के बाद री आए तो वह अर में बदलेगा। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले है अंत प्लस इष्टि, तो अ और ई मिलके क्या बनेगा? ए, तो क्या हो जाएगा? ये अंत्येष्टि। इतर प्लस इतर, अ और ई मिलके क्या बनेगा? ए, तो ये क्या हो जाएगा? इतरेतर। फिर नेक्स्ट है अप प्लस इच्छा, ये क्या हो जाएगा? अपेक्षा। महा प्लस ईश्वर, आ और ई मिलके ए, महेश्वर। अंत प्लस उदय, अ और ऊ मिलके क्या बनेगा? ओ, तो ये क्या हो जाएगा? अंत्योदय। अन्य प्लस उक्ति, अ और ऊ मिलके ओ, तो क्या हो जाएगा? ये अन्योक्ति। फिर नेक्स्ट है गंगा प्लस उर्मी, ये क्या हो जाएगा? गंगोर्मी। फिर है महा प्लस ऊर्जा, ये किस में बदलेगा? ओ में, तो क्या हो जाएगा? महोर्जा। फिर नेक्स्ट है ग्रीष्म प्लस ऋतु, तो ये किस में बदलेगा? अर में, तो क्या हो जाएगा? ये ग्रीष्म ऋतु। महा धन ऋषि, ये किस में बदलेगा? अर में, तो क्या हो जाएगा? महर्षि। ये हो गई हमारी गुण स्वर संधि। फिर नेक्स्ट है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में होगा अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो वह ऐ में बदल जाएगा। अ या आ के बाद ओ या औ आए तो वह औ में बदल जाएगा। वृद्धि स्वर संधि यानी दो मात्रा, हम उस शब्द को कैसे पहचानेंगे? किसी भी शब्द में दो मात्रा हो तो वह वृद्धि स्वर संधि होगा। जैसे धन प्लस एशना, धनेशना। प्रिय प्लस एशी, प्रियेशी।
इसमें भी दो मात्रा है और इसमें भी दो मात्रा है। फिर नेक्स्ट है मत प्लस एक्य, ये क्या हो जाएगा मतेक्य, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। फिर है जल प्लस ओक, ये किसमें बदलेगा दीर्घ ओ में, तो क्या हो जाएगा जलोक। फिर है महा औषध, महा प्लस औषध क्या हो जाएगा महौषध, ये हो गई हमारी वृद्धि संधि। फिर नेक्स्ट है यण स्वर संधि, यण स्वर संधि में क्या होता है ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर, यानी ई या ई के बाद कोई ई या ई न आकर इसके अलावा जितने भी स्वर कोई भी आए तो वह किसमें बदलेगा य में, ये आधा य है और ये आधा व है। फिर है उ या दीर्घ उ के बाद कोई भी असमान स्वर, यानी उ या उ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो वह व में बदलेगा, आधे व में बदलेगा। और री के बाद कोई असमान स्वर आए तो वह आधे री में बदलेगा। कैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। वी प्लस अंजन, ई के बाद कोई भी स्वर यानी अ तो वो क्या बदलेगा य में, तो क्या हो जाएगा वी से ई निकाला तो ये आधा व हो गया, इसमें आधा व फिर ये य आधा य और फिर हो गया अंजन, तो ये दो सबको मिला के क्या बनेगा व्यंजन। वी प्लस अग्र, वी से निकाला ई, इसमें क्या बचा आधा व ई और प्लस ई से क्या बदलेगा हमारे य, आधा य और अग्र, तो क्या हो जाएगा ये व्यग्र। नेक्स्ट भी ऐसे होगा प्रति प्लस आरोपण, ई और आ का मिलकर क्या बनेगा य और या, आ इसमें स्वर जुड़ गया तो क्या हो गया य, तो ये हो गया प्रत्यारोपण। प्रति प्लस आशी प्रत्याशी, सु प्लस आगत, उ के बाद कोई भी स्वर आए तो वह किसमें बदलेगा व में, तो क्या हो जाएगा ये स्वागत। अनु प्लस इष्ट, उ के बाद कोई भी स्वर किसमें बदलेगा व में, तो ये क्या हो गया अन्विष्ट। फिर नेक्स्ट है पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, पितृ प्लस उपदेश पितृउपदेश। फिर नेक्स्ट है अयादि स्वर संधि, ये हमारी लास्ट स्वर संधि है अयादि, इसमें क्या होगा ए के बाद कोई असमान स्वर आए तो वह अय में बदलेगा, ऐ के बाद कोई असमान स्वर आए तो वह आय में बदलेगा, ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो वह अव में, और औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो वह आव में बदलेगा। कैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ने प्लस अन, क्या होगा ए के बाद कोई भी स्वर अ आए तो वह किस में बदलेगा अय में, तो ये क्या हो जाएगा न से ए स्वर निकाल दिया तो ये बचा न प्लस अय और प्लस अन, ये किसमें बदलेगा न और अ स्वर जोड़ा तो न, य में अ का स्वर जोड़ा तो य और ये न, किसमें बदला नयन में, तो सभी ऐसे ही होंगे। चे प्लस अ, किसमें बदला अय, च प्लस अन, तो क्या हो जाएगा ये चयन। शे प्लस अक, ये भी ऐसे ही बनेगा ए के बाद कोई भी स्वर आए तो वह किसमें बदलेगा आय में, तो क्या हो जाएगा शायक। ने प्लस अक नायक, शो प्लस अक ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो वह आव और अव में बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा श्रावक। पो प्लस अक पावक, ओ प्लस ई क्या हो जाएगा ये अवि। कैसे ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो वह किस में बदलेगा अव में, और ये क्या है इसकी स्वर, तो ई की अगर इसमें मात्रा आएगा तो ये क्या हो जाएगा अवि। फिर नेक्स्ट है पो प्लस अन, ये क्या हो जाएगा पवन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुण संधि का उदाहरण है अभी हमने देखा, तो गुण संधि का कौन सा उदाहरण होगा इसमें अ महर्षि, बी पावक, सी अभ्युदय, डी मतैक्य, तो इसका सही आंसर क्या होगा महर्षि। नेक्स्ट है इत्यादि का संधि विच्छेद होगा, इत प्लस आधी इत्य प्लस आधी इति प्लस आदि या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा इति प्लस आदि इत्यादि, यण संधि का उदाहरण है ये। फिर नेक्स्ट है प्रत्यार्पण, प्रत्यर्पण शब्द बना है प्रत्य प्लस अर्पण से, प्रत्या प्लस अर्पण से, प्रति प्लस अर्पण से या प्रति प्लस अर्पण से,
तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी प्रति प्लस अर्पण प्रत्यर्पण। फिर नेक्स्ट है पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। अभी हमने देखा क्या होगा इसका संधि विच्छेद, प्ल प्लस वन पव प्लस वन पो धन वन पव प्लस न, तो इसका सही आंसर क्या होगा सी पो प्लस अन पवन। नेक्स्ट है एक एक में कौन सी संधि है, अभी हमने देखा जिसपे दो मात्रा हो वो कौन सी होगी, वृद्धि संधि, तो इसका सही आंसर क्या होगा वृद्धि संधि। फिर नेक्स्ट है गिरीश में कौन सी संधि है, गिरीश में कौन सी संधि है, घिरी प्लस ईश कौन सी होगी इसमें, दीर्घ ई में बदली तो कौन सी होगी ये दीर्घ स्वर संधि। फिर नेक्स्ट है महाउदय, महा प्लस उदय आ और उ किसमें बदलेगा ओ में, तो ये क्या होगा महोदय, आंसर बी सही है। फिर है परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है, परम प्लस अर्थ और आ मिलके बना आ, तो ये क्या होगा परमार्थ, इसमें कौन सी संधि होगी दीर्घ स्वर संधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वय शब्द का संधि विच्छेद, अन्वय शब्द का क्या होगा अनु प्लस अय, ये क्या होगा अन्वय, इसका सही आंसर क्या होगा अनु प्लस अय अन्वय। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गुण संधि है, इसमें गुण संधि कौन सी होगी ये या फिर ये, हिमालय इत्यादि देवेंद्र या तली, इसमें कौन सी गुण संधि देवेंद्र, आंसर नंबर बी। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।